हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज। फर्स्ट चैप्टर इज बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी शुड नो सम टेक्निकल और यू कैन से जनरल वर्ड्स व्हाट वी यूज। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स व्हाट आर द एक्टिविटीज, व्हाट आर द एक्शन, व्हाट आर द वर्क we do in our general life are known as human activities. Means these human activities may be economic activities or non-economic activities. In the economic activities, basically whatever we do, whatever we work, just to get the profit, or you can say in order to earn the profit, because profit making is main motive in economic activities. And here non-economic activities, as the term suggests, there is no profit making objective. So we start first non-economic activities, because there is no profit making motive is there. So these activities are religious preaching, means dharm ka updesh dena, logon ko samjhana dharm ke bare mein, बहुत से लोग धर्म जागरण का काम करते हैं। एंड सेकेंड वन इज सोशल वर्क। सोशल वर्क मीन्स वट एवर वी डू जस्ट फॉर सोसाइटी, जस्ट टू सर्व द सोसाइटी। सोशल वर्क, सामाजिक काम के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, दीज आर द सोशल एक्टिविटीज़। सो इन दीज टू एक्टिविटीज़ बेसिकली देर इज़ नो प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं रहता है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हम काम करते हैं, चाहे वो धर्म जागरण का काम हो, धर्म के लिए काम करते हैं, या फिर सोशल वर्क करते हैं। इसमें हमें सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो लेट अस कम टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ आर बिग कंसर्न ऑफ बिजनेस। सो वी विल डिक्टेट ऑन दीज पॉइंट्स। बेसिकली फर्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस मीन्स हर कोई जानता है इस चीज़ को, कि बहुत से लोग कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं। सो बिजनेस में क्या करते हैं बेसिकली। एंड सेकंड वन इज, इस पर डिटेल में आते हैं अगले में, सेकंड वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में भी हम कुछ लोग उसमें प्रोफेशन में भी होते हैं, यहाँ पे भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग होता है, यहाँ पे सैलरी मिलती है और अपनी जीविका चलाते हैं। एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। ओके, सो लेट अस कम टू थर्ड वन। फर्स्ट थर्ड वन एम्प्लॉयमेंट। ओके, employment is the work what an employee is involved in the private office or government office or in factory. These are the employment, or you can say the source of employment, where we get the salary. जो कोई भी यहाँ पर काम कर रहा होता है, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, उसको वहाँ उसके वेजेस के बदले में, यानी उसके काम के बदले में उसको सैलरी मिलती है। और ये एम्प्लॉयमेंट उनके पोस्ट के हिसाब से, या उनके वर्क के हिसाब से, या उनके प्रोफाइल के हिसाब से कह सकते हैं। मैनेजर की प्रोफाइल हो सकती है, मैनेजर हो सकता है एम्प्लॉय, सुपरवाइज़र हो सकता है, और वर्कर भी हो सकता है। ओके, सो सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है कि प्रोफेशन में जो प्रोफेशन में क्या होता है कि एक एक्सपर्ट्स होते हैं, या स्किल और नॉलेज के एक्सपर्ट जो होते हैं, वो अपने काम के बदले, अपने सर्विस के बदले चार्जेस लेते हैं, फीस लेते हैं। और इसमें कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते हैं? लॉ, कानून की जानकारी रखने वाला जो लॉयर होता है, वो इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है, उसके बदले वो अपना फीस चार्ज करता है, वही उसकी जीविका होती है। एंड मेडिकल, डॉक्टर्स होते हैं इसमें, डॉक्टर जो होते हैं अपने काम के लिए या किसी को सर्विस देने के लिए, देने के बदले में वो उनका स्पेशल डोमेन होता है, उसके बदले में वो वहाँ से फीस चार्ज करते हैं। और CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो दीज आर द प्रोफेशंस वेयर वी नीड टू हैव द स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। सो लेट अस कम टू बिजनेस। बिजनेस में ये सारे डोमेन होते हैं। पहला, बाइंग एंड सेलिंग।
जो कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है वो ट्रेड का काम कर रहा होता है, या तो ट्रेड का काम कर रहा होता है। इसमें बाइंग और सेलिंग में जो काम करता है वो क्या करता है, सस्ती चीज़ों को खरीदता है मार्केट से और उसको थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करके उसको बेचता है, वही उसका प्रोफेशन होता है या बिजनेस होता है कह सकते हैं। तो दिस इज़ द ट्रेड। जनरली बाइंग और सेलिंग को अगर मिला के वर्ड बनाए तो टेक्निकल वर्ड बनता है ट्रेड। नाउ अब ये भी बिजनेस हो सकता है, या तो वो इंडस्ट्री में हो सकता है, इंडस्ट्री का मतलब कि अलग अलग सर्विस इंडस्ट्री में या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, कहीं भी हो तो वो इंडस्ट्री में भी हो सकता है। ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशन भी इंडस्ट्री है, और इंश्योरेंस का काम, जो इंश्योरेंस का काम जैसे एजेंट्स होते हैं या एडवाइज़र कह सकते हैं, तो वो इंश्योरेंस के काम में भी होता है, वो भी बिजनेस में है। ट्रांसपोर्ट में ये जो कुछ भी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने में जो कुछ भी एडिशनल जो सर्विसेज दिए जाते हैं, दीज आर नोन एज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, उसके बदले में उनको प्रॉफिट मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो उनका मेन बिजनेस होता है। नाउ वेयर हाउसिंग का, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, या फिर बहुत से ऐसे हैं वेयर हाउसिंग जहाँ पे फैक्ट्री से सामान निकल के आती हैं और वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये डिटेल में बाद में आएंगे अगले चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में, बट यहाँ पे सिर्फ इतना जानें कि वेयर हाउसिंग क्या होता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक पार्ट होता है जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज, और यहाँ से इसको फिर हम मार्केट में पहुँचाने के लिए जो एक सर्विस, एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके बदले में ये चार्ज लेते हैं। तो यही इनका अर्निंग का सोर्स होता है। लास्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग। आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ की एडवर्टाइजिंग हो रही है। मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, अहम पार्ट होता है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। सो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग वी जस्ट प्रमोट द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। हम मार्केट में कस्टमर्स के पास इन सारे गुड्स और सर्विसेज को हम पहुंचा सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर एडवर्टाइजिंग। एक इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग से हम किसी भी चीज़ को हम बेच सकते हैं, और यही हमारा जिस जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है उसके लिए ये मेन जो है ये एक्टिविटीज़ हैं। सो अब इसको वाइंड अप करते हैं। मेन ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं, और ये थ्री एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सारे के सारे जो हैं ये सब बिज़नेस से और ये प्रोफेशन से और ये एम्प्लॉयमेंट से, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये रिलीजियस प्रीचिंग एंड सोशल वर्क। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट बिजनेस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।